हेलो फ्रेंड्स, मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि गणेश चतुर्थी आने वाला है और गणेश भगवान को मोदक अति प्रिय है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शाही चॉकलेट मोदक। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं शाही चॉकलेट मोदक। शाही चॉकलेट मोदक बनाने के लिए हमको सबसे पहले उसकी फिलिंग बनानी पड़ेगी। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया है। सबसे पहले एक टेबल स्पून काजू का पाउडर डाल दूंगी। काजू को मैंने पल्स मोड पे चला लिया है। यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून काजू का पाउडर लिया है। उसी तरीके से एक टेबल स्पून बादाम लिया है, इसको भी मैंने पल्स मोड पे ही ग्राइंड किया है। एक टेबल स्पून पिस्ता लिया है। एक टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। एक टेबल स्पून पिसी हुई चीनी लिया हुआ है। एक टेबल स्पून दूध की मलाई। अब इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। हमने जो सारे चीजों को मिक्स किया है, अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं, अब इसे हम साइड में रख देंगे। क्योंकि ये शाही चॉकलेट मोदक है तो हम इसमें चॉकलेट यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 125 ग्राम मिल्क कंपाउंड लिया है, 125 ग्राम व्हाइट कंपाउंड लिया है। इन दोनों चॉकलेट को हम माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेंगे। दोनों ही चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है, अब हम मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। मार्केट में मोदक बनाने के लिए इस तरह के प्लास्टिक मोल्ड मिलते हैं या इस तरह के मोल्ड मिलते हैं, लेकिन आपके पास इस तरह के मोल्ड नहीं है तो आप मोदक बनाने वाले इस मोल्ड में भी आप बना सकते हैं। मैं इसमें भी आपको मोदक बनाना दिखाऊंगी और इसमें भी मोदक बनाना दिखाऊंगी। तो मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें डालेंगे मिल्क चॉकलेट। इसके बाद जो हमने बॉल्स बनाए हैं छोटे छोटे, वो बॉल्स इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर हम व्हाइट चॉकलेट मिला देंगे। तो हमने इस मोल्ड में सारे मोदक बना लिए हैं। इसे हम फ्रीज में सेट होने के लिए 7 to 8 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैं आपको मोदक के साचे में मोदक कैसे बनाया जाएगा ये दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे व्हाइट चॉकलेट को। इसके बाद हम इसमें जो फिलिंग की बॉल बनाई थी उसको डाल देंगे और इसके ऊपर मिल्क चॉकलेट डाल देंगे। तो इसमें भी आपका मोदक बन जाएगा और इसे एक कटोरी में रख के फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से हम सारे मोदक बना लेंगे। अब हम अपने चॉकलेट को डीमोल्ड करेंगे। तो ये हमारे सारे चॉकलेट बन के रेडी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।